सदर सांसद रवि किशन शुक्ला और राज्यसभा सांसद जय प्रकाश निषाद ने विजयादशमी पर्व के अवसर पर जनपद और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ला व जय प्रकाश निषाद ने कहा कि विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने इसी दिन रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। इस संबंध में गौरव पुन्नी से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन और राज्यसभा सांसद जय प्रकाश निषाद ने कहा, बोला प्रेम से जय श्री राम, नमः पार्वती पते हरा हर, बम बम आनंद है एकदम, सब आनंद है। फिल्म सिटी बन रहा है, रोजगार महाराज जी के आशीर्वाद से आज पूरा जो रावण को मार के गिराए थे, बस आप लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। पूज्य महाराज जी बहुत सोच रहे हैं, गोरखपुर की जनता यहाँ पर गोरक्षनाथ बाबा की तपोभूमि है, कभी कोई यहाँ पर तकलीफ में नहीं रहेगा और बहुत अच्छे से रहेंगे। ये बहुत ये यज्ञ वाली ज़मीन है, यहाँ पे भगवान बसते हैं, यहाँ शिव अवतारी गोरक्षनाथ बाबा हैं। तो गोरखपुर तो अपने आप ही में भला हमको सेवक का मौका मिला, हमारा भाग्य कौनो जन्म का कि हमको यहाँ का हम सांसद बने हैं, कौनो जन्म पूर्व जन्म का हमारा कौनो भाग्य हुई, हमारे बाबू का आशीर्वाद हुई। जैसे हम खुद शिव भक्त रहे तो हमके गोरक्षनाथ मिल जाए कबो मालूम ना रहे, हम पर बड़ा कृपा बाबा से यह कहा। महाराज जी से मुलाकात क्या? महाराज जी तो बस ऐसे हंस देना बहुत हो गए हमारे लिए, हंस देना कैसे हो, बस इतना बोल देना हम वही में बम बम हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जो है गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य उत्तर प्रदेश के सत्रहवें मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी को हम लोग उनका आशीर्वाद लेकर के आज विजयादशमी के पर्व के अवसर पर पूरे देशवासियों प्रदेशवासियों को हम लोग बहुत ढेर सारी शुभकामना देते हैं कि सारे लोग सुख शांति और समृद्धि के सबको मिले, ईश्वर सबकी कल्याण करे।